अगर आपने टोबैको लिया, आप कंटिन्यूअसली ले रहे हो और आपने एकदम से छोड़ दिया, तो आपको विड्रॉल्स होंगे क्योंकि आपकी बॉडी उसके ऊपर फिजिकली डिपेंडेंट हो चुकी है। टोबैको के साथ भी ऐसा ही है, निकोटीन के साथ ऐसा ही है कि अगर आपने खुद होके छोड़ने की कोशिश करी, अगर आप स्मोकिंग कर रहे थे 5-10 सिगरेट या जो भी है, या आप टोबैको खा रहे थे और आपने अचानक से छोड़ दिया, तो आपको विड्रॉल्स होंगे। और यही रीज़न है कि वापस से जो है लोग बोलते कि मैंने छोड़ तो दी लेकिन एक दिन के बाद वापस से स्टार्ट कर देते हैं। निकोटीन उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है, मतलब उसका जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो है निकोटीन, ठीक है। जो आप किसी भी फॉर्म में टोबैको ले रहे हो उसमें जो चीज़ होती है उसका नाम है निकोटीन, जिसकी वजह से आपको अलर्टनेस फील होता है, बॉडी में एनर्जी फील होती है, आपको लगता है कि आपका फटिक कम हो गया है, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। एडिक्शन को या टोबैको डिपेंडेंस को जो है लोग सीरियसली नहीं लेते, ठीक है, और ये सोचते ही नहीं कभी कि टोबैको जो है वो एक प्रॉब्लम भी है, ठीक है। आपका ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि हम लोग अल्कोहल के लिए यहाँ पे आए हैं, या फिर कैनाबिस के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, या बाहर हम लोग का जो मेन प्रॉब्लम था इट वॉज कैनाबिस, अल्कोहल, या फिर साथ में दूसरा और एक सब्सटेंस जो आप कर रहे थे। बट टोबैको को कोई सीरियसली नहीं लेता है कि इसको छोड़ना भी चाहिए, और कभी ये ख्याल भी नहीं आता है कि टोबैको एक प्रॉब्लम भी है। लास्ट क्लास में वही डिस्कस किया था हम लोगों ने कि टोबैको जो डिपेंडेंस है वो भी एक प्रॉब्लम है अपने आप में, और आपको वो छोड़ने के लिए कोशिश करना चाहिए, एफर्ट्स लगाने चाहिए, ठीक है। उसका रीजन बहुत ही सिंपल है, एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन है, उसमें से कुछ रीजन जो है वो आपको समझने जरूरी है कि टोबैको सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम है। अगर कोई टोबैको डेली बेसिस पे ले रहा है, एक कुछ डेफिनेट क्वांटिटी के ऊपर ले रहा है, तो टोबैको का भी डिपेंडेंस होता है और उसको भी अच्छे से ठीक करना चाहिए। अगर टोबैको को हम लोगों ने ठीक नहीं करा तो उसके शॉर्ट टर्म में तो बहुत बार नहीं दिखते कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग होता है, क्योंकि वो स्लोली डैमेज करता है बॉडी को। जैसे अल्कोहल आपको पीने के बाद इमीडिएटली उसका इफेक्ट दिखता है, लेकिन टोबैको का वैसे नहीं है। टोबैको का इंटॉक्सिकेशन भी बहुत ही उस लेवल पे नहीं होता है, और जो डैमेजिंग इफेक्ट है वो बाकी सब्सटेंस यूज के कंपैरेटिवली काफी स्लोली वो बॉडी को डैमेज करता है, इसलिए लोग सीरियसली नहीं लेते, लेकिन आपको लेना चाहिए क्योंकि इट डज, बट इंटॉक्सिकेशन तो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। डैमेज भी स्लोली, बट इतना भी स्लोली नहीं। अगर नहीं, कुछ कुछ लोगों में अगर 5-6 साल में भी डैमेज दिखाई देने शुरू हो जाते हैं अल्कोहल के, पैनक्रियास, लीवर, हार्ट, किडनीज के ऊपर बाद में थोड़ा सा, ठीक है ना। तो अल्कोहल का भी इफेक्ट दिखाई देना पड़ सकता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल ससेप्टेबिलिटी, ठीक है ना। कुछ लोगों में 5-6 साल में भी उसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो दिखाई देने शुरू हो सकते हैं, उसके पहले भी हो सकते हैं, हाँ, ठीक है। सो बहुत सारे लोग टोबैको को सीरियसली नहीं लेते हैं, बट टोबैको भी उतना ही हार्मफुल है। इनफैक्ट जो सबसे ज्यादा दुनिया में मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी होती है, मॉर्बिडिटी मतलब सफरिंग, कि आपको कोई बीमारी स्टार्ट हो गई, आपकी बॉडी में कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गए, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा जो नंबर वन कॉज है एडिक्शन में से, या वैसे भी इन जनरल निकालोगे लाइफ स्टाइल डिसीजेस होते हैं, उसमें सबसे कॉमन जो एक रिस्क फैक्टर होता है दैट इज स्मोकिंग। दूसरा ये है कि अगर आप कोई भी सब्सटेंस ले रहे हो तो ऑफकोर्स इसके हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, बट अगर आप कोई भी दूसरा भी सब्सटेंस ले रहे हो और साथ में टोबैको ले रहे हो, तो आपका जो वापस से सब्सटेंस यूज जो आप ले रहे थे दूसरा कोई भी, वो स्टार्ट होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो। मीन्स कि अगर आप अल्कोहल ले रहे थे पहले और साथ में टोबैको लेते थे, अगर आपने यहाँ से जाने के बाद टोबैको वापस से स्टार्ट कर दिया, तो आपका वापस से अल्कोहल के ऊपर आप आ जाओगे, या कैनबिस के ऊपर आ जाओगे, या कोई भी एक्स वाई जेड जो आप सब्सटेंस ले रहे थे उसके ऊपर वापस से आप रिलैप्स हो सकते हो, आपका वापस से वो सब्सटेंस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका रीजन भी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि बेसिकली टोबैको जो है, निकोटीन जो है, वो एक गेटवे ड्रग माना जाता है। गेटवे मतलब कि आप कोई भी एक सब्सटेंस स्टार्ट करते हो तो दूसरा होने का चांसेस ये बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक रास्ता खुल गया तो बाकी उसमें से और भी सब्सटेंसेस जो है वो आपका बॉडी में डिमांड करी, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन,
ठीक है, तो ये बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से आपको टोबैको को भी सीरियसली लेना चाहिए और टोबैको छोड़ने का कोशिश करना चाहिए, जो कि लोग नहीं करते। ठीक है, यहां से जाने के पहले ही लोग बोल देते मैं तो टोबैको ले लूंगा, मैं तो निकोटिन ले लूंगा, टोबैको खा लूंगा, ठीक है, वो तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, सोचते भी नहीं हो कभी। लेकिन अगर आप निकालोगे कोई भी, मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि अगर आप कोई भी हॉस्पिटल में जाके देखोगे तो आपको दिख जाएगा वहां पे कितने सारे लोग हार्ट की प्रॉब्लम से आए, कितने सारे लोग लंग्स की प्रॉब्लम से वजह से आए, कितने सारे लोग कैंसर की वजह से आए। तो उसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो स्मोकिंग होता है, जिसकी वजह से ये सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इन द लॉन्ग रन ये बहुत ही डैमेजिंग है आपके बॉडी के लिए। दूसरा, आपका रिलैप्स नहीं होना है। ठीक है, ये तो टोबैको तो है ही, बट उसके अलावा भी कोई और सब्सटेंस का रिलैप्स नहीं होना है तो आपको टोबैको छोड़ने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है, जितना सीरियसली आप बाकी चीजों को लेते हो उतना ही आपको टोबैको को लेना। ठीक है, अब ये तो था कि टोबैको छोड़ना क्यों है। अब इसका आप लोगों को क्या लगता है कि टोबैको छोड़ने का क्या क्या तरीका है, कैसे छोड़ा जा सकता है टोबैको? कोई भी सब्सटेंस ले रहे थे, ठीक है, तो उसको छोड़ने का जो तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आपको कंप्लीटली छोड़ना है। ठीक है, टेपरिंग ऑफ जो होती है वो वर्क नहीं करती, अगर आप स्पेशली आप खुद होके ट्राई कर रहे हो। ठीक है, जैसे आपने सोचा कि आप पहले आधा बॉटल लेते थे, अब मैं एक पैक ले लूंगा या दो पैक ले लूंगा, तो वो वर्क नहीं करता है। ठीक है, आपने पास्ट में शायद से बहुत बार ये कोशिश करी होगी कि आप अगर पहले आधी बॉटल लेते थे और आपने दो पैक लेके रोक लिया, ऐसे बहुत ही रेयरली होता है। ठीक है, आप पहले 10 सिगरेट लेते थे, आपने सोचा कि मैं 2 ही सिगरेट पीऊंगा, तो वर्क नहीं करता है ज्यादा दिन के लिए। वो धीरे धीरे आप फिर हो सकता है 1 महीने में 2 महीने वापस से 10 सिगरेट पे, या इवेंचुअली मतलब डाउन द लाइन ये हो जाता है कि आप वापस से आपके पुराना जो पैटर्न है उसके ऊपर वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो कभी ये वाला जो स्ट्रेटेजी है यूजुअली वर्क नहीं करता है कि आप पहले इतना लेते थे और आप उसको कम कम करके बंद करने का कोशिश करो। ठीक है, जो सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी होता है कि आपको छोड़ना है तो कोई भी नशा पूरी तरह से छोड़ना है। ठीक है, फिर इसमें आता है कि आप खुद होके कोशिश कर रहे हो कि आपने जैसे अल्कोहल पूरी तरह से छोड़ दी, मान लो कि आप आधा बॉटल लेते थे और आप छोड़ने का कोशिश कर रहे हो, अगर मान लो कि आपने 4-5 महीना कंटिन्यूअसली ड्रिंक कर ली, रोज पी रहे हो, हफ्ते में 3-4 बार पी रहे हो और आपने अचानक से छोड़ दी, तो क्या होगा? क्या होगा, विड्रॉल्स का मतलब क्या होता है? जी घबराएगा और गुस्सा इरिटेशन होगी, गुस्सा होगा, और क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस में विड्रॉल होता है। ठीक है, नींद नहीं आती है, हाथ पैर कांपते हैं, अगर कोई अल्कोहल ले रहा है तो स्वेटिंग, पैल्पिटेशंस, ठीक है, नींद आपकी गायब हो जाएगी पूरी तरह से, एंजाइटी फील होगी, घबराहट फील होगी, और इससे सीवियर भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं विड्रॉल में, कुछ कुछ लोगों को सीजर या दौरा जैसे होता है, वो भी पड़ सकता है अगर अल्कोहल ले रहे तो। इसका मतलब ये कि आपकी बॉडी कोई भी सब्सटेंस अगर आप कंटिन्यूअसली ले रहे हो, लंबे समय के लिए ले रहे हो और एक क्वांटिटी में ले रहे हो, तो आपको विड्रॉल्स फील होंगे, क्योंकि आपकी बॉडी उसके ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी है। ठीक है, आपके बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं ब्रेन में और बाकी जगह पे भी, और आपने एकदम से अचानक से छोड़ दिया कोई भी, तो विड्रॉल्स होंगे जो कि आपको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप। ठीक है, और बहुत सारे लोग वापस से इसलिए सब्सटेंस लेने स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि विड्रॉल्स बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे कुछ कुछ सब्सटेंस के विड्रॉल इतनी सीवियर होते हैं कि आपको बर्दाश्त ही नहीं हो पाएगा कि आपने नशा छोड़ रखा है, जैसे ओपियोइड्स होते हैं कुछ कुछ सब्सटेंस, जिसमें अगर आप ले रहे थे जैसे 3-4 महीना लिया, 1-2 महीना लिया और आपने छोड़ दिया अचानक से, तो बॉडी में इतना डिस्कम्फर्ट होगा, पेन होगा, हाँ, क्रैम्स होंगे, लूज मोशंस होंगे, कि आपको वो बर्दाश्त ही नहीं होगा। तो विड्रॉल्स की वजह से ही बहुत सारे लोग वापस से सब्सटेंस लेना स्टार्ट कर देते। वैसे टोबैको का भी है, अगर आपने टोबैको लिया, आप कंटिन्यूअसली ले रहे हो और आपने एकदम से छोड़ दिया, तो आपको विड्रॉल्स होंगे क्योंकि आपकी बॉडी उसके ऊपर फिजिकली डिपेंडेंट हो चुकी है। ठीक है, साइकोलॉजिकली तो किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट हो सकती है, बट फिजिकली का मतलब ये हुआ कि आप जो भी नशा करते थे उसकी वजह से आपके बॉडी में चेंजेस हुए हैं, वो जो भी सब्सटेंस आप ले रहे थे उसका कैपेसिटी था या कैपेबिलिटी था कि आपकी बॉडी में वो चेंजेस करेगा और आपने एकदम से वो छोड़ दिया, तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स हो गया, विड्रॉल सिंड्रोम्स बोलते हैं, तो वो होंगे, तो आपको
आपको ये विड्रॉल की वजह से ही आप वापस से सब्सटेंस लेना स्टार्ट कर देते हो, इसलिए ये वर्क नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब कि आपने खुद ही होके छोड़ने की कोशिश करी, जिसको कोल्ड टर्की कहते हैं। तो ये बहुत बार सक्सेसफुल इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपकी बॉडी अब डिपेंडेंट हो चुकी है, आपकी बॉडी वो डिमांड करेगी, क्रेव करेगी, और जब ऐसा सब कुछ हो रहा है तो आपको खुद को भी रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोल्ड टर्की ऑन योर ओन विदाउट टेकिंग एनी गन, ठीक है, तो इसलिए वर्क नहीं करता है। तो टोबैको के साथ भी ऐसा ही है, निकोटिन के साथ ऐसा ही है कि अगर आपने खुद होके छोड़ने की कोशिश करी, अगर आप स्मोकिंग कर रहे थे 5-10 सिगरेट या जो भी है, या आप टोबैको खा रहे थे और आपने अचानक से छोड़ दिया, तो आपको विड्रॉल्स होंगे। और यही रीजन है कि वापस से जो है लोग बोलते कि मैंने छोड़ तो दी लेकिन एक दिन के बाद वापस से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नए ईयर का रिजोल्यूशन होता है कि मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा, टोबैको छोड़ दूंगा, या कोई भी रीजन हो जाता है, फिर दूसरे तीसरे दिन के बाद से वो मुश्किल हो जाता है और वापस से आप टोबैको या स्मोकिंग या जो भी किसी भी फॉर्म में ले रहे थे निकोटिन, वापस से स्टार्ट कर देते हैं। विल पावर कैसे कम होती है? विल पावर जो है बेसिकली मोटिवेशन आप कह लो, विल पावर कह लो, ये आपको टेम्पररी हेल्प करेगी एक डिसीजन मेकिंग में। ठीक है ना, कि आपने विल पावर बना के रखी, लेकिन विल पावर के साथ और बहुत सारी चीजें चाहिए होती है आपको, कि आपका एक प्लान है जिसमें एक चीज होगा तो आपको ये करना है, ठीक है, विड्रॉल्स होंगे तो आपको क्या करना है, क्रेविंग होगी तो क्या करना है, तो विल पावर के साथ साथ प्लानिंग भी चाहिए। ठीक है, वो दोनों अगर साथ में कंबाइंड है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको छोड़ना है तो एकदम से छोड़ना है, ठीक है, और कोल्ड टर्की करोगे तो बहुत बार सक्सेसफुल नहीं होता है, अपने आप खुद छोड़ने का कोशिश करोगे तो सक्सेसफुल नहीं होता है, तो बेटर है कि आप कोई प्रोफेशनल का हेल्प लो। ठीक है, ठीक है, आप साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हो, आप डॉक्टर से बात कर सकते हो, तो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हो ही आप, तो आपको मैं बता देता हूँ कि छोड़ना कैसे, ठीक है, उसके कुछ मेथड से छोड़ने के। ठीक है, जो आपको टोबैको आपने छोड़ दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद होके अगर छोड़ना चाहोगे तो आपको विड्रॉल्स होंगे, आप बिना कोई सब्स्टिट्यूट लिए या कोई रिप्लेसमेंट लिए अगर आप ट्राई करोगे तो विड्रॉल्स होते हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता है बर्दाश्त करना। ठीक है, तो आपको एक थेरेपी दिया जाता है, कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे आने के बाद जो च्युइंगम दिए जाते हैं व्हाइट कलर के या ग्रीन कलर के, उसमें बेसिकली निकोटिन होता है। तो अब ये वर्क कैसे करता है, आप कोई भी टोबैको ले लो, आप किसी भी फॉर्म में टोबैको ले लो, किस किस फॉर्म में टोबैको लेते हैं ज्यादातर लोग? स्मोकिंग इज द कॉमनेस्ट, च्यूइंग इज द सेकंड, इंडिया में च्यूइंग इज इवन मोर कॉमन। ठीक है, स्मोकिंग और हाँ क्या बोलते जो भी जर्दा है, और क्या होता है वो पाउचेस में जो आता है पान मसाला टाइप जो होता है, और हुक्का, सिगार और सिगरेट्स हो गया। ठीक है, तो आप किसी भी फॉर्म में टोबैको ले रहे हो तो बेसिकली उसमें ऐसा क्या चीज है जो आपको, जिसकी वजह से आप वो कर रहे हो? निकोटिन। उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है, मतलब उसका जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो है निकोटिन। ठीक है, जो आप किसी भी फॉर्म में टोबैको ले रहे हो उसमें जो चीज होती है उसका नाम है निकोटिन, जिसकी वजह से आपको अलर्टनेस फील होता है, बॉडी में एनर्जी फील होती है, आपको लगता है कि आपका फटिक कम हो गया है, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, आपको थोड़ा सा अच्छा वेलबींग का फील होता है, हाई फील होता है, ठीक है, खुश फील होता है, वो सब इसीलिए फील होता है क्योंकि उसमें होते हैं निकोटिन, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। ठीक है, वो आपके बॉडी में उसके रिसेप्टर बने हुए हैं और आपके पूरे बॉडी में जाके वो आपके बॉडी को और ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और जिसकी वजह से आपको जो भी सारा फील होना होता है वो निकोटिन की वजह से। तो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो निकोटिन के लिए कर रहे हो, अगर आप टोबैको खा रहे हो, पान मसाला, जर्दा, किसी भी फॉर्म में खा रहे हो, तो वो सिर्फ निकोटिन के लिए खा रहे हो। फर्क दोनों में या तीनों में इतना है कि आप स्मोक जब करते हो तो वो लंग्स में जाके उसमें से ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। ठीक है, टोबैको खा रहे हो तो आपके जो बकल
आपका जो मुंह बना होता है उसमें म्यूकोजा होता है, ठीक है, जो लेयर होता है उसमें से आपके ब्लड में जाता है, ठीक है। जो लंग्स वाला है वो थोड़ा ज्यादा फास्ट एक्ट करता है, माउथ वाला जो है वो थोड़ा स्लो एक्ट करता है, ठीक है। तो आपका पर्पज सिर्फ एक ही है कि आपके बॉडी को निकोटीन चाहिए, इसलिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। अब आपने सब कुछ छोड़ दिया अचानक से, तो आपकी बॉडी फिर से डिमांड करेगी, ठीक है। और इसीलिए आपको हम लोग सब्स्टिट्यूट देते हैं जिसमें निकोटीन होता है। दोनों में अब फर्क इतना है कि आप जो पहले स्मोकिंग कर रहे थे, आप पहले जर्दा खा रहे थे, आप टोबैको खा रहे थे, आप चैनी कैनी खा रहे थे, कोई भी किसी भी फॉर्म में खा रहे थे, उसमें प्योर निकोटीन नहीं होता है, ठीक है। जो आपको सबसे प्योर निकोटीन मिलता है वो निकोटीन के जो लॉसेंजेस होते हैं, निकोटीन जो कम होते हैं, निकोटीन के जो पैचेस होते हैं, उसमें आपको प्योर निकोटीन मिलेगा। उसके अलावा जो कुछ भी फॉर्म में आप खा रहे हो, स्मोक कर रहे हो, उसमें निकोटीन के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हुई होती है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। हाँ ठीक है, आप कोई भी जो टोबैको लीव्स होती है, जो जिस प्रोसेस से वो बनता है, या जर्दा जिस प्रोसेस में बनता है, उसमें ऐसे बहुत सारे केमिकल्स जो है हम लोग कहेंगे कि मिक्सचर होते हैं, जो आपके बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है, ठीक है। और आपको जो निकोटीन दिया जा रहा है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ निकोटीन है, उसमें कोई मिलावट नहीं, इसलिए वो आपके बॉडी को किसी भी तरह से डैमेज नहीं करेगा, ठीक है। आप अगर पहले टोबैको ले रहे थे उसमें सिर्फ निकोटीन नहीं था, और आपको यहाँ पे जो दे रहा है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ निकोटीन है, ठीक है। तो जब भी आप छोड़ने का कोशिश करोगे तो आपको क्रेविंग होगी, विड्रॉल्स होंगे, तो आपको मुश्किल हो जाएगा छोड़ना, इसलिए आपको निकोटीन रिप्लेसमेंट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया। पहले जब आप निकोटीन लेते थे तो सिर्फ निकोटीन नहीं लेते थे, उसके साथ में दुनिया भर के केमिकल्स थे जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल, और यहाँ पे डॉक्टर जो आपको दे रहे हैं वो सबसे प्योर निकोटीन है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, इसलिए आपकी बॉडी को वो हार्म नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आपने सोचा है कि छोड़ना है, ठीक है, और आपको किसी भी तरह का ये जो रिप्लेसमेंट का जरूरत पड़ता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। उसका पर्पज ये है कि आपकी जो क्रेविंग विड्रॉल्स की वजह से आपका जो मन कर रहा था, बॉडी डिमांड कर रही थी, वो अब नहीं करेगा, क्योंकि आपको निकोटीन ऑलरेडी सप्लाई किया जा रहा है, या सप्लीमेंट या उसका सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, रिप्लेसमेंट मिल रहा है, ठीक है। आप जो पहले टोबैको लेते थे और ये वाला निकोटीन में फर्क समझ में आ गया। उसका उसको टेपर ऑफ करना, ठीक है, उसका रेजिमेन है, कितना आपको बॉडी में चाहिए, कैसे। एक होता है कि खुद होके ट्राई करना, ठीक है। आपको ये जो भी निकोटीन रिप्लेसमेंट दिया जा रहा है अंडर सुपरविजन होता है, मीन्स कि आपको डॉक्टर्स देंगे कितना अमाउंट आपको चाहिए, कितना नहीं चाहिए, टेपर कैसे करना है, उसका पूरा शेड्यूल होता है, ठीक है। अभी तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि आपको डोज कितना, आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। तो निकोटीन का तो आपको देने का लॉजिक समझ में आ गया। आपको निकोटीन रिप्लेसमेंट का जरूरत इसीलिए है क्योंकि विड्रॉल की वजह से जो रिलैप्सेस होते हैं वो नहीं होने देना, ठीक है, स्पेशली फिजिकल विड्रॉल्स, ठीक है। बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजिकल विड्रॉल्स भी होते हैं। साइकोलॉजिकल विड्रॉल्स मतलब कि आप वो जो सिचुएशन में करते थे वो सारी चीजें आपको याद आ रही है और आपको वापस से मन कर रहा है वो सब चीजों में जाने का। मोस्टली आपके हाथ में नहीं होते, ठीक है, कुछ हद तक होते भी है। जैसे मान लो कि किसी को सिगरेट कैसे पीते, ठीक है, आपके पास लाइटर होगा, आपके पास सिगरेट होगी, आप उसको जलाओगे माचिस से, उसको फूकोगे, धुआं निकालोगे, ठीक है, हाथ में पकड़े रहोगे, ठीक है ना, और स्मोक उड़ा के ऐसे जो भी करते हैं लोग स्टाइल में वो करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है दिस आर ऑल पार्ट ऑफ, लोगों को होता है ना कि सर मेरे को सिगरेट दे दो, बस वो धुआं लेना है, धुआं देखना है, ठीक है, मेरे हाथ में सिगरेट नहीं है, मेरे को हाथ में सिगरेट लेने की इच्छा हो रही है, दिस इज ऑल कंडीशनिंग। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल, हम लोग कहेंगे कि इसमें साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी इन्वॉल्व है। निकोटीन की वजह से आपकी एक्चुअल बॉडी में जो है वो चेंजेस हो रहा है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी साइकोलॉजिकल चीजें है कि आप लाइटर से सिगरेट स्मोक करते थे, हाथ में लेते थे, धुआं उड़ाते थे, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये सारी चीजें दिस आर ऑल पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल, हम लोग जिसको कहेंगे कि डिपेंडेंस, आप उसको मिस कर रहे हैं।
उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको जो बॉडी में जो चेंजेस हो रहे उसका सब्स्टिट्यूट हम लोग दे रहे, दैट इज निकोटीन। ठीक है, और उसका मेन पर्पज है कि आपको विड्रॉल्स ना हो और उसकी वजह से होने वाला जो रिलैप्स होता है वो ना हो। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस के लिए काउंसलिंग होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि आपको निकोटीन जो देते हैं उसका क्या लॉजिक रैशनल है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हो। टोबैको छोड़ दिया तो आपको एनआरटी कब स्टार्ट करनी चाहिए? ठीक है, आपको वेट नहीं करना। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि मैं दो दिन के बाद च्युइंगम लूंगा या पैचेस लूंगा या डॉक्टर ने बोला है तो मैं वेट करूंगा, ये नहीं करना है। अगर आपको छोड़ना है, आपने छोड़ दिया तो वेट मत करो, जितना जल्दी हो सकता है रिप्लेसमेंट स्टार्ट कर दो। ठीक है, खुद होके करोगे तो जो सक्सेसफुल होने का चांस है वो कम है। ठीक है, निकोटिन रिप्लेसमेंट लोगे तो आपका छोड़ने का चांस ज्यादा है क्योंकि आपके फिजिकल विड्रॉल एटलीस्ट मैनेज हो जाए। दूसरा ये बोल रहा है कि उसके साथ अगर आप साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन करते हो, काउंसलिंग लेते हो, ठीक है, जो काउंसलर ट्रेंड होते हैं निकोटिन छुड़वाने में, अगर उनका हेल्प लोगे तो आपका चांसेस और भी बढ़ जाएगा, इसको किसी के साथ कंबाइन करो। ठीक है, तो दोनों भी चीजें आप कर सकते हो, साइकोलॉजिस्ट का हेल्प ले सकते हो, साथ में निकोटिन रिप्लेसमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, निकोटिन रिप्लेसमेंट बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है, पैचेस है, लॉसेंजेस है, गम्स है, नेजल स्प्रेज है, इनहेलर्स है, ऐसे डिफरेंट फॉर्म में जो है आपके लिए निकोटीन रिप्लेसमेंट अवेलेबल है। जो ये दो चीजें है ये आपको बहुत कॉमनली मिल जाती है, इसका मतलब ओवर द काउंटर के आप जाके डायरेक्टली केमिस्ट को मांगोगे तो आपको वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मेथड्स है उसके लिए आपको डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये जो दो तीन चीजें बची हुई, आपको लॉसेंजेस और गम्स अगर आपने छोड़ने का मन बनाया है, ठीक है, तो आप कोशिश करो कि आपके डॉक्टर से हेल्प लेके आप उनको मिलके आपको निकोटीन रिप्लेसमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो, खुद भी स्टार्ट कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना निकोटीन रिप्लेसमेंट का जरूरत पड़ेगा, उसका क्या डोज रहेगा। ठीक है, इसने कुछ कौन कौन नहीं ले सकता है इसके बारे में बताया है, कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ लो एक बार। प्रेग्नेंट वुमेन इन टीन्स, ठीक है, ठीक है, पीपल हु आर स्टिल स्मोकिंग और यूजिंग एनी अदर फॉर्म ऑफ टोबैको शुड नॉट यूज एनआरटी। द कंपनीज दैट मेक एनआरटी प्रोडक्ट्स वार्न दैट यू शुड नॉट यूज देम इफ यू आर स्टिल यूजिंग टोबैको एंड द एफडीए हैज नॉट अप्रूव्ड देम टू बी यूज्ड इन दिस वे। गेट द एडवाइस ऑफ अ हेल्थियर प्रोवाइडर इफ यू वांट टू यूज एनआरटी व्हाइल कंसीडरिंग टू स्मोक और च्यू। NRT has not yet been proven to help people who smoke fewer than 10 cigarettes a day. But many tobacco treatment centers do use NRT for people who are light smokers. Talk with your healthcare provider about a lower dose of NRT if you smoke less than that but feel you need nicotine replacement. आपको identify करना है कि आप light category में हो, moderate या फिर heavy category में हो। आप हेवी कैटेगरी में हो कि नहीं हो तो इसमें कुछ कुछ चीजें बताई गई है कि अगर आप इसमें से कोई भी एक चीज कर रहे हो तो देन यू फॉल इनटू हेवी स्मोकर कैटेगरी। ठीक है, और हेवी स्मोकर कैटेगरी के लिए निकोटीन रिप्लेसमेंट अलग होता है, जो मॉडरेट वाले होते हैं उनके लिए अलग होता है। ठीक है, तो ये चार पांच चीजें है, अगर आप इसमें से कुछ भी कर रहे हो एक भी तो देन प्लीज कंसिडर योर सेल्फ एज ए हेवी स्मोकर एंड टेक निकोटीन रिप्लेसमेंट अकॉर्डिंगली। पीपल हु स्मोक एयर सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट ऑन निकोटीन शुड कंसीडर निकोटीन रिप्लेसमेंट और प्लग थेरेपी टू हेल्प देम क्विट। साइंस ऑफ सीवियर निकोटीन डिपेंडेंस इंक्लूड फर्स्ट स्मोकिंग मोर देन वन पैक अ डे। स्मोकिंग मोर देन वन पैक अ डे, भाई एक पैक में कितना होता है सिगरेट? 20 का भी होता है। ठीक है, सेकंड स्मोकिंग विद इन 5 मिनट्स ऑफ वेकिंग अप, अगर आप उठने के 5 मिनट के अंदर स्मोक कर रहे हो तो। ठीक है, थर्ड इवन स्मोकिंग इवन व्हाइल सिक, अगर आप बीमार हो, आपको फीवर आया है, आपको कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, और आपके डॉक्टर ने बोला है कि आपको स्मोक नहीं करना है, इसके बावजूद भी आप स्मोक कर रहे हो। ठीक है, और फोर्थ वेकिंग अप एट नाइट टू स्मोक, मतलब रात में उठ के स्मोक करने के लिए उठना। ठीक है,
फिफ्थ स्मोकिंग टू ईज सिम्टम्स ऑफ विड्रॉल, मतलब कि आपकी बॉडी डिपेंडेंट हो चुकी है, आपको फिजिकल विड्रॉल्स आ रहे हैं और आप उसको कम करने के लिए स्मोकिंग कर रहे हो। ठीक है, बॉडी डिपेंडेंट इतना आसानी से नहीं होती है। आपकी बॉडी डिपेंडेंट हो गई इसका मतलब कि आपने बहुत लंबे समय के लिए कोई भी नशा करा है। ठीक है, फिजिकल डिपेंडेंस बहुत लेट आता है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भले ही जल्दी हो जाए लेकिन फिजिकल डिपेंडेंस होने में बहुत टाइम लग जाता है, महीने सालों लग सकते हैं कोई भी नशे के लिए। कुछ कुछ सब्सटेंसेस का बहुत जल्दी हो जाता है डिपेंडेंस, बट जो मेजोरिटी ऑफ सब्सटेंस है वो बॉडी डिपेंडेंट होने के लिए एक सब्सटेंशियल ड्यूरेशन के लिए आपको सब्सटेंस यूज करना पड़ेगा। उसके बिना बॉडी फिजिकली डिपेंडेंट नहीं होती है किसी भी चीज के ऊपर इतना आसानी से। तो अगर आप में फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं स्मोकिंग छोड़ने के बाद आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे तो वो ये दिखाता है कि आप काफी लंबे समय के लिए और हेवी क्वांटिटी में आप स्मोकिंग कर रहे थे, आप लाइट कैटेगरी में नहीं हो। फिजिकल विड्रॉल्स आने का मतलब ही यही है कि आपने लंबे समय के लिए और काफी अच्छे खासे क्वांटिटी में आपने जो है स्मोकिंग करी हुई है। अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हो तो आपको खुद को कभी फील हुआ होगा कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। अगर आपने स्मोकिंग कर रहे थे और एकदम से छोड़ दी तो क्या होता है? ठीक है, मेंटली ठीक है, अर्ज होगी कि जाके लेना है, चिड़चिड़ापन फील होता है और कुछ अच्छा नहीं लगता है, डिस्फोरिक या मूड ऐसे ऑफ लग सकता है और कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम लग सकता है, खाने पीने में हो सकता है मन ना लगे और अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, लैक चिड़चिड़ापन, लैक ऑफ एनर्जी फील हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें फील हो सकती है विड्रॉल फेज में, इवन आपका कभी कभी नींद भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज आपने निकोटीन एकदम से छोड़ दिया। तो अगर आपको विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी डिपेंडेंट थी इसके ऊपर और आपने लंबे समय के लिए उसको यूज करा है। तो अब समझ में आ गया कि आप हेवी स्मोकर हो, कैसे आइडेंटिफाई करना है? अगर आप एक पैकेट से ज्यादा सिगरेट ले रहे थे पहले, दूसरा अगर आप 5 मिनट के उठने के बाद ही स्मोकिंग कर रहे हो, तीसरा आपको ये पता है कि आप बीमार हो, फिजिकली वीक हो, डॉक्टर ने बोला है कि सिगरेट नहीं पीना है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो चुका है, ठीक है स्टेंट डल चुका है, ठीक है बीपी का प्रॉब्लम है, आपको बोला है डॉक्टर ने कि स्मोकिंग नहीं करना है, इसके बावजूद भी आप स्मोकिंग कर रहे हो, रात में उठ के स्मोकिंग करने के लिए उठ रहे हो और स्मोकिंग कर रहे हो, ठीक है, और आपको फिजिकली विड्रॉल सिम्टम्स फील हो रहे हैं, आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, आपके मूड में चेंजेस हो रहे, इमोशनल स्टेट्स में चेंजेस हो रहे, तो ये दिखाता है कि आप इनमें से कोई भी एक चीज आपके साथ हो रही है तो इसका मतलब आप हेवी स्मोकर कैटेगरी में हो। ठीक है, आपकी जो स्मोकिंग है वो कोई लाइट स्मोकिंग नहीं है, आप हेवी स्मोकर कैटेगरी में। ठीक है।